हरिओम। आज 17 जून दिन गुरुवार, सुप्रभात। आइए अभी हम आपके साथ अगले 5-6 मिनट तक हम बने रहेंगे और हम चर्चा करेंगे आज के राशिफल की, आज का दिन कैसा रहेगा। किंतु उसके पूर्व हम पंचांग की भी चर्चा करने वाले हैं, जहां आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि आज किस मुहूर्त में, किस घड़ी में कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं, किस दिशा की यात्रा करनी है, किस दिशा की यात्रा नहीं करनी है, कौन से शुभ समय है, कौन से अशुभ समय है। किंतु आज जिनका जन्म दिवस है, जिनके विवाह की वर्षगांठ है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत मंगल कामना, उन्हें बहुत शुभ आशीर्वाद। यह भी स्मरण करा दूं, यानी यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लें, ताकि आपको मेरी सारे वीडियोस निर्बाध रूप से निरंतर मिलती रहे और प्रियजनों को शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा करेंगे आज के सर्वप्रथम आज के पंचांग की। तो 17 जून दिन गुरुवार और विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, संध्या 5:31 तक सप्तमी रहेगा, तदुपरांत अष्टमी तिथि लग जाएगी। और नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, जो कि संध्या 6:40 तक रहेगा, इसके उपरांत में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगी। चंद्रमा सिंह राशि में ही संचलन कर रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त आज का 12:10 से 12:52 तक रहेगा। स्मरण करा दूं, मैं प्रतिदिन बोलता हूं अभिजीत मुहूर्त की चर्चा करता हूं, अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत किए गए कोई भी शुभ कार्य चिरकाल तक शुभ फल देने वाले होते हैं, या मधुर और सकारात्मक फल देता है। बिना पंचांग देखे इस मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य या यात्रा का पालन किया जा सकता है। ठीक इसके विपरीत राहु काल, जो प्रतिदिन किसी 1.5 घंटे का एक कालखंड होता है, राहु काल के अंतर्गत किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ या यात्रा का प्रारंभ नहीं किया जाता है, वर्जित है। तो और अति आवश्यक हो किसी योग्य विद्वान से मिलकर उसे दिशा निर्देश लेकर ही की जानी चाहिए। और अब यह भी बताऊं आपको कि आज के दिन किस दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी, तो दक्षिण और अग्नि दिशा की यात्रा करना आज निषेध है। यदि टाला नहीं जा सकता है, अति आवश्यक हो तो आपके रसोई में जीरा है, थोड़ा सा जीरा ग्रहण करके माता रानी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करके अपनी यात्रा का प्रारंभ करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आइए अभी चर्चा कर लो आज की राशि की। बाहु राशि की हम चर्चा करेंगे, तो सर्वप्रथम मेष राशि। विशेषकर मेष राशि के ऐसे जातक जो अपने विद्योपार्जन के तप में, तपस्या में लगे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं, यानी जो विद्यार्थी हैं, तो जो विद्यार्थी है मेष राशि के जातक, उन्हें विद्या के क्षेत्र में लाभ मिलने वाला है। वृषभ राशि वालों को वाहन सुख प्राप्त होंगे, वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार का लाभ न हो सकता, नया वाहन ही आ जाए आपको, पुरानी गाड़ी बदल के भी ले सकते हैं दूसरी गाड़ी, या बिल्कुल शोरूम वाली गाड़ी नहीं आ सकती है, ऐसे भी योग है। मिथुन राशि वालों को बताऊं कि पराक्रम के कारण आपके अंदर में पराक्रम है, कर गुजरने की क्षमता, उस टैलेंट को आप उपयोग करेंगे, आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और कर्क राशि वालों को बताऊं कि निवेश से लाभ मिलना है, आज के दिन किया गया कोई भी निवेश, वह जब परिणाम आना है तो उस समय आपको शुभ फल देगा, इसलिए आज के दिन निवेश कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करूं तो दिनचर्या स्फूर्त मस्त, बिल्कुल एक्टिव होकर सारा दिन आज व्यतीत होगा, एकदम सब कुछ स्फूर्त रहेगा, चालू रहेगा। कन्या राशि वालों को बताऊं, दूर यात्रा संभव लग रहे हैं, कई लंबी यात्रा और सुखद भी, और जिस उद्देश्य से यात्रा होनी है वह भी आपको अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम ही देगा। तुला राशि वालों को बताई जा सकती है कि जो रुके हुए कार्य थे,
कुछ अड़चनों के कारण कुछ योजना आपकी अटक से गई थी, रुक गया था। वो सारी योजनाएं, वो सारे कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों को बताऊं कि कर्म क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा आपका। आपके जो भी कर्म क्षेत्र हैं, आप बिल्डर हैं, पत्रकार हैं, व्यवसायी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका जो भी अपना कार्य है, आपके अपने कर्म क्षेत्र या फिर आप कोई कहीं नौकरी क्यों ना कर रहे हो, तो आपके अपने क्षेत्र में आपको सम्मान बढ़ेगा, उन्नति होने की आशा है। और धनु राशि वालों को बताऊं कि धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कलयुग है, अच्छे कार्य में मन लगाना पड़ता है, मन लगाने के उपरांत भी कभी कभी मन उचट से जाता है, धार्मिक कार्य के प्रति रुचि नहीं आती है, कई बहाने आ जाते हैं, तो धार्मिक कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी, अच्छी रुझान है, यह हमेशा बनी रहनी चाहिए। मकर राशि वालों को बताऊं, बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे, तो आपको आयुष्य लाभ होना है, प्राण शक्ति का संचार होगा और आयुष्य वृद्धि होगी। और कुंभ राशि, प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में लाभ मिलने वाला है आपको, जहां भी प्रेम संबंधी बातें हैं वहां लाभ होगा। और अंतिम राशि, इनका भी बहुत ही अच्छा, पैसा किसी को आपने दे दिया था, संभवतः आपने सहयोग ही करी थी उनकी, वो पैसा निकलने का नाम नहीं, हो सकता है उनकी कुछ व्यवस्था हो, लेकिन आपका दिया गया धन अटक गया था, रुक गया था, लगा सहयोग करना तो भारी पड़ गया, वो धन आज आपको वापस मिल सकते हैं। थोड़े से पराक्रम भाव का प्रकट करना है, झगड़ा नहीं करेंगे, मेरा तात्पर्य झगड़े झमेले का नहीं है, पराक्रम भाव से थोड़ी सीरियस होकर आप टैक्टफुली निकालेंगे तो वो पैसा आपको निकल जाएगा। बारहवीं राशि की भी चर्चा होगी कल पुनः, फिर किसी नए वीडियो के साथ या कल के राशिफल के साथ पुनः मुलाकात होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर भी करें अपने लोगों को, और अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन दबा दें। तो कल मुलाकात होती है, लेता हूं विदा आपसे, लेकिन आप हमेशा मुस्कुराते रहें, ऊर्जावान रहें। ओम।